गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग हाँ थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है सो नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो गया मैं ओके सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अच्छा एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं इज़ माई वॉइस क्लियर राइज इज़ माई वॉइस क्लियर वेट लेट मी चेक इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर और नॉट मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूँ या इट्स क्लियर सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं फिर ओके लेट अस स्टार्ट द सेशन या सो टुडे टुडे विल कंप्लीट मॉक टेस्ट थ्री ओके अ न्यू सेट अ न्यू मॉक टेस्ट सो दिस इज पार्ट थ्री टोटल विल हैव फोर टू फाइव मॉक टेस्ट ठीक है इस चैनल पे फोर टू फाइव मॉक टेस्ट मेरे द्वारा लिया जाएगा ठीक है ठीक है ना चलो ओके एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बेंगाल हाँ सुप्रभात टू द स्टूडेंट्स ऑफ बेंगाल ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और राइट आई विल टेक इन ऑल फोर टू फाइव मॉक टेस्ट ओके आफ्टर दैट एल्स विल टेक द मॉक टेस्ट ऑन जनरल स्टडीज ठीक है सो जनरल स्टडीज इसी फोर और फाइव टेस्ट में आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है सो दिस इज टू डिज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट आंसरिंग गाइस विच एम द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लकली आई हैव गॉट माई पेंट ओके टली so, एक्चुअली मुझे ऑफिस से ही मिलने वाला था बट आई एम बार्स टूअर्ड्स द पर्टिकुलर कंपनी ओके सो दैट्स वाई आई परचेज पेंटर ऑफ अट हायर रेंज ठीक है सो आई हैलरेडी गॉट इट इट अराइव्ड लास्ट डे ऑन द लास्ट सेशन या सो चलिए इसका आंसर बताइए मुझे हु फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी मौर्या गुप्ता कुशन कन्वा वेरी गुड येस सो माई आंसर इज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी आई हैव ऑल्सो मैंशनड सो पेंटेप आने के बाद मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है लेट्स सी मौर्य सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम लाइन राइट ऑफ द मौर्या डायनेस्टी अप्रॉक्सीमेट टाइम लाइन थ्री ट्वेंटी टू टू वन एटी फाइव अच्छा गुप्त डायनेस्टी यू कैन सी थर्ड सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली ओके सॉरी थर्ड सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली दैट इज थ्री वन नाइन टू फाइव फोर्टी थ्री सी ई वॉट इज सी कॉमन एंड बी सी इज बिफोर कॉमोन एरा ठीक है ओके okay. हम लोग अभी बिफोर क्राइस्ट और एनोडोमनी uh, नहीं, नहीं कहते हैं राइट सी एंड बी सी अच्छा उसके बाद है कुशन डायनेस्टी थर्टी सी टू थ्री सेवेंटी फाइव कन्वर डायनेस्टी सेवेंटी फाइव टू थर्टी बी सी राइट सो ये एक बार चेक कर लीजिएगा डेट्स अच्छा हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफोर्म एसोसिएशन एटीन सेवनटी दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आम मैंशनिंग इट अगेन एंड अगेन ठीक है दिस क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू गाइस इसका आंसर बताइए क्या होगा क्या होगा इसका आंसर ऑल राइट आई एम गेटिंग आंसर्स चलिए सब लोग आंसर कीजिए फिर आंसर दिखाते हैं आपको सो यस सो माई आंसर विल बी यू कैन सी यू कैन हैव ए लुक हियर क्या होगा मेरा आंसर माई आंसर विल बी केशव चंद्र सेन है कि नहीं नो डियर देखो टू का बी होगा ठीक है हाँ सो जस्ट हैव ए लू केयर देवेंद्र नाथ टेगोर फाउंडर और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैंने दे दिया है ठीक है आदि ब्राह्मो समाज फाइन द वन स्टार्टेड बाई राजा राम मोहन रॉय राइट आफ्टर हिम इट वॉज কন্টিনিউড বাই দেবেন্দ্রনাথ টগোর আদি ব্রাহ্ম সমাজ আচ্ছা কেশবচন্দ্র সেন সেনা কোথাও ইট ওজ ব্রাহ্ম সমাজ অফ ইন্ডিয়া এ বহুত লোক কনফিউজ কর যাতে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন কেশব চন্দ্র সেন আচ্ছা রাম মোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ ইউ অল নো অ নোনেজ সভা নেম চেন্জড নাম চেঞ্জ হওয়া গা্তা সো ইট ওজ ফাউন্ডেড অন সরি ইন এটিন টোয়েন্টি এইট আচ্ছা সরস্বতী অলসো নোন আলসো নোনেট ওজ ইজ আদার নেম হিজ আদর নেম ওয়াজ ঠিক দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ ফাইন আচ্ছা এ দেখ লিজি পেলে নোট দেখে ওকে সি ইন এইটিন সেভেনটি এইট সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাহন বোস দিস ইজ আলসো ভ ইম্পর্টেন্ট আই হোপ ইট ইস বিজিবল ইন এইটিন সমাজ ওয়াজ বোস

काकोरी कॉन्स्पिरेसी वॉज ए ट्रेन रॉबरी दैट टूक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ इन डैश सो इसका साल इसका ईयर आपको बताना पड़ेगा ठीक है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस वट वॉज द ईयर वैन इट हैपेंड बताइए एंड दोस्तू आर वॉचिंग द क्लास डू हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग द सेशन ठीक है अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज डू शेयर इट एमोंग योर फ्रेंड्स ताकि सब लोग ये देख सके ठीक है क्लास का मजा ले सके ठीक है ठीक है एंजॉय दिस सेशन फाइन सो चलिए ओके आई एम गेटिंग आंसर्स गुड सो द काकुड़ी कॉन्स्पिरेसी केस ईयर वाज 1925 देख लीजिए सो so, 1931 थर्टी वन वाई इज इट इंपॉर्टेंट सी गांधी आर इम पैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ भागत सिंह एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह सुखदेव and rajguru okay Uske 1919 we all know Raul attacked. and rowl satyagraha started and after that we had discussed in the last class jallianwala bah massacre happened fine next one so 1925 is our answer and in 1929 what had happened resolution of purna swaraj resolution of purna swaraj okay that is complete independence fine इट वॉज पास लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज हॉस्टेड बाय पंडित नेहरू ऑन द बैंक ऑफ द रवि रिवर अब देखिये काकोड़ी कॉन्स्टिट्यूसी केस क्या था एक ट्रेंड रॉबर्ट ही था द टुक प्लेस बिटवीन काकोड़ी नियर लखनऊ ऑन नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटी ट्वेंटी फाइव ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ओके द रॉबर्ट वॉज कैरेड आउट बाई राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान वेरी इम्पोर्टेंट, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, फाइन एंड अदर्स, फाइन, नेक्स्ट वन, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी

सो दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम कैनाडा राइट सो कुछ लोग बोलते हैं कि वी हैड कॉपीड वी हैड कॉपीड अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर नेशंस नो माई फ्रेंड वेन यू आर टेकिंग गुड थिंग्स गुड थिंग्स फ्रॉम समन और समथिंग इसे कॉपी नहीं कहते ठीक है सो यू आर टेकिंग यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड जो लोग बोलते हैं ना इंस्पिरेशन इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस कंट्री फाइन इट वॉज नॉट कॉपीड वी कॉल इट अ बेटर वर्ड इज देयर इट इट इज कॉल्ड रैन सैक्ट गॉट बाई पॉइंट वी रैन सैक्ट इट राइट सो दिज आर नॉट कॉपीड ओके डोंट यूज दैट वर्ड कॉपी नहीं कहते इसको चलिए बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइटी थर्टी फाइव मनी आर बोर्ड फ्रॉम मेनी फॉरन कंट्रीज एक बार देख लीजिए क्या क्या बोडो किया गया था फाइन आई द लिस्ट ये लिस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा फाइन इफ एव नॉट इन अर व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है फिर से मैं एक बार बता देता हूं एक्सीजेंस एडुकेटर

फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज टेकन फ्रॉम देअर कॉन्सर्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रॉम फ्रांस सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये लिस्ट आपको मिल जाएगा पी डी एफ में जस्ट देखिए कुछ चीज है जो मेमोराइज uh, करना पड़ता है आपको ठीक है सो टू कीप देम इन माइंड यू नीड टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन डेली आपको रिविजन करना चाहिए ठीक है अंडरस्टूड चलो इसका आंसर बताइए द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड डैश एंड गाइज प्लीज 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 डू वन थिंग आई एम टेलिंग यू क्या है जियोग्राफी जब भी पढ़ेंगे मैप सेट पढ़िए फाइन स्टडी जियोग्राफी फ्रॉम मैप ओके जियोग्राफी थ्रू मैप फिर आपको याद रहेगा अच्छे से रिवर्स ठीक है फिर कोस्टल रीजियंस कोस्ट फाइन सो इसका आंसर हो जाएगा कॉरोमेंडल कोस्ट राइट सो कोंकन इज द कोस्टल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन महाराष्ट्र देखिए विथ सेवन ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग अराबियन कोस्ट अराबियन सी कोस्ट ऑन इट्स वेस्ट एंड पैरल शहिया माउंटेन रेंजेज ऑन द ईस्ट राइट फाइन अच्छा ईस्ट कोस्ट नाउ वट इज मालाबार कोस्ट मालाबार कोस्ट इज द साधन पार्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट फाइन जो ये यहाँ पे जो डिटेल्स दिया है कॉरोमेंडल कोस्ट हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा राइट हम्म अब जो समझने वाला चीज है देखिए सो आई हैव दिस मैप जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ठीक है देखिए कहाँ गया हाँ कोंकण कोस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द कोंकण कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इसे कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस ठीक है उसके बाद कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस मालाबार कोस्ट ज एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस अच्छा उसके बाद देखिए जो मैंने ऐड किया था पायन घाट ओके कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस वेरी इम्पोर्टेंट हा एटल गुड ऑप्शन इफ यूर अलविस एसपेरेंट एटलस विल बी अ गुड ऑप्शन ठीक है राइट उसका नाम मैं ग्रुप में बता दूंगा कोई बात नहीं एंड इफ पॉसिबल आई विल अपलोड सम इम्पोर्टेंट बुक बुक्स आई वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड राइट द एडमिनलोडेड लाइक बुक्स ऑफ नितिन सिंघानिया फिर एम लक्ष्मीकांत इट्स ऑलरेडी देयर इन आवर टेलीग्राम चैनल लक्ष्मीकांत के सी मोंडोल ओके फिर नितिन सिंघानिया का दो जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बाद uh, और लक्ष्मीकांत का बहुत फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन बहुत आर अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल प्लीज़ गो एंड डाउनलोड दम इफ़ पॉसिबल ठीक है द बेस्ट ऑप्शन इज टू बाई योर बुक्स किताब खरीद लीजिए एल्स यू कैन जस्ट फॉलो द पी डी एफ पी डी एफ अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल सो ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ठीक है बस एक्स खरीदना पड़ेगा आपको फाइन सो मैप देख के पढ़िए इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड सो विच आर द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सो व्हाट इज द अदर नंबर लार्ज लार्ज स्पेट्रम एंटीबायोटिक दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सॉरी ब्रॉड बी आर ओ ए डी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ठीक है सो so, ये ये देखिए यही गलती बहुत लोग करते हैं इसका आंसर पैरासीटामोल दे देते हैं सब लोग ठीक है नो माई फ्रेंड ठीक है थोड़ा तो और ट्राई कीजिए बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए क्या होगा इसका आंसर <coughs> अच्छा यस सो माय आंसर विल बी एम्पिसिलिन नॉट पैरासीटामॉल ठीक है एक सेकंड एक सेकंड ফাইন নোট প্যারাসিটামোল দেখি অ্যাম্পিসিলিন ইস এ লার্জ স্পেক্ট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক লার্জ স্পেক্ট্রামটিবায়োটিক মোস্টলি সি মোস্ট কমনলি ইউজড অ্যাম্পিসিল ইস এ বিটা লোটিক দ্যাট ইস এ পার্টমাইনোপেনিস ফ্যামিলি রাফলি গেল টু ইট সকসেসর অ্যামোকসিসিল ঠিক অ্যান্ড ইট ইস সি এফেক্ট এফেক্ট চিফলি এগেন্স্ট ড্রাম পজিটিভ অর্গানিজম অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোমাইসিন एक्टिव प्राइमरिली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ओके बैक्टेरिया सो दीज आर टर्म्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिकॉज दे हैव ए वाइड रेंज ठीक है नेक्स्ट वन ऑनियन ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डैश क्वाइट इंपॉर्टेंट यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछ सकता है अच्छा एक सेकेंड रुकी जस्ट ए सेकेंड हा वेट समाइम जस्ट अ सेकेंड अच्छा ठीक है ऑनियन इज अ फॉर्म ऑफ डैश यस सो माई आंसर विल बी माई आंसर विल भी सेम देखिए सो कभी कभी bulb okay so modified form of stem is called a bulb understood or more specific uh, more specifically a tunicate bulb in this modified stems the stem is uh, enclosed by a covering of leaves and it is underground fine the bulb contains a few outside layers that are dry and membranous that encircles the bulb okay which is uh, where tunicate comes from. Nutrients for the plants are stored within the bulb. Very important. Chalya, next one. Uh, Swagata, I will uh, tell you the name of the um, map book. Okay, atlas, I will tell you. No issue. Bata dunga thikhe? If possible, I will make a uh, separate video on the important books. Okay. I will make a separate video, two to three minute video on the important books. और स्टेट पी एस सी और स्टेट सिविल सर्विस नॉट यूपीएससी यूपीएससी में भी काम आएगा बट स्टेट सिविल सर्विस ठीक है आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस ठीक है और एक और वीडियो है जो ट्रिक्स का वीडियो आशियन कंट्रीज का जो ट्रिक्स मैंने दिया था प्लीज गो थ्रू इट ओके okay? आशियन कंट्रीज का ट्रिक्स वीडियो आशियन ट्रिक्स सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे है एक बार जस्ट सर्च करके पढ़ लीजिए द डिजीज कॉज बाई एजेस्टॉस वेरी इंपॉर्टेंट येस माई फ्रेंड सो आंसर विल बी एम्फाइसीमा यस सो माई आंसर विल बी एम्फाइसीमा ठीक है ना देखिए डायरिया जो हम कहते हैं एक सेकेंड हा डोंट वरी स्वागत आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ इट ओके मैं बता दूंगा कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए ओके मुझे जस्ट पिन कीजिएगा मैं बता दूंगा चलो देखिए डायरिया मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई बैक्टेरिया ई कोलाई दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टेरिया कॉजिंग डायरिया ओके अच्छा डिसेंट्री इट रिजल्ट फ्रॉम बैक्टेरिया कॉल्ड शिगेला एंड वन मोर थिंग देखिए एमिबिक डिसेंट्री जो है एमेबिक डिसेंट्री कम्स फ्रॉम ए पैरासाइट इसका नाम क्या है एंटामी बा हिस्टोलाइटिका वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ

After, consolidati after consolidating आफ्टर कॉन्सोलीटिंग हिस्स पावर बलबान एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ डैश सो बलबान ने कौन सा title लिया था so Okay? मतलब बिन सेफा हमने खुद को दिया ठीक है ये तोहफा हमने खुद को दिया सो ही गेव हिम सेल्व द टाइटल ही एज्यूम द टाइटल चलो कोई बात नहीं चलो आंसर बताइए यस माय आंसर विल बी जिल इलाही ओके okay. देखिए टूटी हिंड जब हम पढ़ेंगे एम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट में जब दूंगा तो बाकी ऑप्शन भी मैं डिस्कस कर दूंगा ठीक है सो नो इशू दैट सो टू टी हिंड इज आमिर इज नोन एज वट पैरॉट ऑफ इंडिया देखिए पैरॉट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज टूटी टी वॉइस ऑफ इंडिया ओके एंड हैज बीन कॉल्ड द

फिफ्टीन एटी टू नेक्स्ट हाँ शूबर धोनू हाँ एक डायलॉग था मूवी का शायद ये तोहफा हमने खुद को दिया चलो मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ द रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई देम एंड द इंडेशन सो जस्ट लाइक मैंने खुद को ये पेंटैब वाला तोहफा दिया है ठीक है

মিক্সড আনসার মুখো রাম মোহন রায় সো এ ব্রাহ্ম সমাজ ঠিক টোলা থাচ্ছা দেবেন্দ্রনাথ টেগোর দেবেন্দ্রনাথ টেগোর তত্ত্ববোধিনী সভা এটিন থার্টি নাইন আচ্ছা কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজ ইন্ডিয়া এটিন आत्माराम पांडुरंग ओके देन सॉरी इट विल बी ओ हो हो हाँ हाँ आप लोग सही थे ये तो गलत दिया है आपशंस गलत है सो so, दयानंद सरस्वती इज नो no, सर सही है सही है सो आई वॉज सींग रॉन्ग अच्छा दयानंद सरस्वती इज आर्य समाज मूल शंकर अभी मैंने बोला था 1875, आत्मराम फाइव पांडुरंग इस प्रार्थना समाज 1867 सिक्सटी सेवन ओके कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं एम नो द फाउंडर वाज आत्माराम पांडुरंग ओके नॉट एमजी जी बट यू कैन से दैट यस आफ्टर एमजी राडे जॉइंड आफ्टर एमजी जी राडे जॉइंट इट गेन्ड प्रोमिनेंस ये हम कह सकते हैं बट इट वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग ओके सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट गाइस ओके चलो नेक्स्ट वन इसका आंसर बताइए हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनम पियदस्सी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी मतलब ये सभी को आना चाहिए देवनम पियदस्सी हम किसको बोलते हैं देवनम पियदस्सी जल्दी बताइए यह सबको आना चाहिए मतलब ये अगर गलत होता है आपका तो मतलब आपका नाम चेंज कर दीजिए भुलक कर रख दीजिए खुद का नाम ये गलत नहीं होना चाहिए ना Yes my friend, the answer is Mauryan King Ashoka. So you can see in the uh, Ashoka edicts it was mentioned King Piyadarshi or uh, what is the actual meaning beloved of the gods. Take okay? a Devanam Piyadarshi. Next one, the only Congress session AICC session that Gandhiji presided over was held at dash. So Gandhiji presided over which session of the Congress? Which session? Yes, so my answer will be the Belgaum session. It was in Belgaum session in December 1924. The session was historic as the Swaraj party returned to the Congress fold. Okay, next one. In which region did Bitsamunda operate against the British? This is also quite important. Very, very important. I am writing it for you. Very, very important. सो हिच रीजियन इज इट बताइए हुई रिजियन रिजियन इज इट हाँ सो इट इज द छोटा नागपुर रिजियन बिरसा मुंडा यू ऑल नो अ ट्राइबल लीडर अ फोक हिरोके ट्राइबल बेल्ट ऑफ झारखंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी सो इट वॉज द छोटा नागपुर रिजियन बिलोंगिंग टू द मुंडा ट्राइब Bahot, uh, important hai. Munda, munda tribe Birsa munda, munda tribe next one the most popular festival in tamil nadu is this is also quite important and you can say that this is somehow related, somehow related to the current events because this was recently in the news or if you have already seen my current affairs class ca class current affairs class सो so, जो एवरी संडे सेवन पी होता है जो प्रीमियर क्लास सो so उसमें मैंने पिछले आ, पिछले पिछले महीने में शायद ये न्यूज में था सो आई डिस्कस्ड इट या और इन द स्टार्टिंग क्लास ऑफ दिस मंथ ओके सो यस सो द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु इज पोंगल देखिए द फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु क्या क्या है पोंगल जल्लीकट्टू कट्टू एंड आदि पेरेक्कू वेरी इंपॉर्टेंट आदि आदि पेरेक्कू अच्छा गुड़ी पड़वा जस्ट लाइक वी हैव पॉला बैशाख इन वेस्ट बेंगॉल दे हैव गुड़ी पड़वा इन महाराष्ट्र उगड़ी यू कैन से उगड़ी और उगड़ी ओके सो इट इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आंध्र अच्छा बिहू वेरी इंपॉर्टेंट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीहू सो रोंगाली और बोहक बिहू ऑब्जर्व इन एप्रिल वेरी इंपॉर्टेंट कोंगाली और काटी बिहू इन एंड भूगाली और माघ बिहू इन द मंथ ऑफ जनवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यस yes, शागोता अंकिता सोमपोत तप्री देन uh, और सुब्रतोनु वेरी गुड अमृता राजीव गुड सो चलिए इसका आंसर बताइए विच आर द फॉलोइंग पासस लाइज इन द सतलेज वैली सो so, आज हमारा ट्वेंटी क्वेश्चन है हमारे पास वी हैव ट्वेंटी क्वेश्चन फॉर डिस्कशन चलिए यस सो व्हाट विल बी द आंसर माई आंसर विल बी शिपकिला पास शिप इज द माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर द रिवर सतलेज एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास ठीक है सो द पास इज इंडिया थर्ड बॉर्डर पोस्ट ट्रेड उथ चाइना आफ्टर नाथुला इन सिक्किम एंड लिपुलेक इन उत्तराखंड टू दाब राइट नेक्स्ट स्वागत बिहू देन पोजिशा दिजर्व ऑल इन द न्यूज रिसेंटली राइट सो द राइट टू वोट इन इलेक्शन to parliament is is a dash so what is it is it a fundamental right is it a legal right is it is it constitutional right or is it natural right but the answer so yes my friend the answer will be it is constitutional right ज अंस्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स ठीक है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स पार्ट फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस राइट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट आईन अच्छा लीगल राइट लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right, इन दोनों में फर्क क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट व्हाई डू यू कॉल इट लीगल राइट एंड व्हाई ऑन द अदर एंड डू कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए ठीक है क्लास के बाद भी आप आंसर कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन और ड्यूरिंग द क्लास वॉट यू लाइक ओके बाद में भी आप आंसर कर सकते हैं वेन द क्लास ओवर ओके आई वॉन्ट एवरी आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन सी सम्पद तपस्वी स्वागत और देन अंकिता देन अमृता राजीव प्रियंका पल्लवी सबका आंसर चाहिए जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं और जो भी लोग क्लास देखेंगे रिकॉर्डेड सेशन जो जो लोग देखते हैं प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट अच्छा इसका आंसर बताइए द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर इन टू अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा शायद ट्वेल्व पी एम अभी मेरे क्लास के तुरंत बाद यू विल हैव इंग्लिश क्लास ओके बाई पूजा मैम आई जस्ट कॉल हर इफ शी इज अवेलेबल टू टेक द क्लास आई होप विल बी अवेलेबल टू टेक द क्लास ठीक है सो प्लीज डोंट मिस इट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पी एस सी एस एस सी ओके और एनी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम ट्वेल्व पी एम जस्ट आफ्टर माई क्लास इंग्लिश का क्लास होगा ठीक है स्टिल आई विल कॉन्फर्म ओके इन द्वॉट्सअप ग्रुप एंड विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टेलीग्राम चैनल येस सो माई आंसर विल भी नाथुला देखिए नाथुला इज अ माउंटेनियस पास इन द हिमालय इट कनेक्ट्स द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विथ चाइनाज टिबेट ऑटोनोमस रिजियन हाँ तपस्वी वैन यू आर वॉचिंग द रिक्डेड सेशन दे गेट कॉमेंट सेक्शन ओके जस्ट बिलो द वीडियो यू विल गेट अ कॉमेंट सेक्शन यू कैन जस्ट कॉमेंट देअर ओके इट विल नॉट बी अ लाइव कॉमेंट okay it will not be live but mm. it will be in the comment section you can just search it <laughs> okay. i am also uh, teaching on another organization Okay, in another organization institution so you know right so i am not getting time to take english classes here take i am only taking the paid batch जो इंग्लिश का पेड बेसिक ग्रामर का बैच है आई एम टेकिंग क्लास इन द पेड बैच ओके आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू टेक द फ्री क्लासेस बट पूजा मैम विल टेक द फ्री क्लास ओके पूजा मैम एंड वेरी सुन अनदर फैकल्टी विल बी टेकिंग द इंग्लिश क्लास ठीक है सो डोंट वरी एंड इफ आई गेट टाइम आई विल टेक द इंग्लिश क्लासेस नो इशू बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है ऑफिस का प्रेशर है अच्छा चलो देखो इट विल सी सन द सन लाइट द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स एक्चुअली एट पॉइंट थ्री थ्री मिनिट्स टू रीच द अर्थ राइट द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज रिफ्रैक्शन वॉट इज रिफ्लेक्शन व्हाट इज डिफ्रैक्शन वॉट इज डिस्पर्शन ये इस इन चारों का बेसिक डिफरेंसेस आपको आना चाहिए ठीक है बिकॉज बच्चा बच्चा इसका डिफरेंस जानता है फाइन बट येस इफ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड यू नीड टू गो थ्रू एनी बुक फाइन जस्ट गो थ्रू एनी बुक द साइंस सेक्शन यू विल इजिली अंडरस्टैंड ओके बट डोंट वरी वेरी सुन साइंस क्लासेस विल ऑल्सो भी स्टार्टिंग ऑन आवर चैनल ठीक है मैथ्स क्लास तो नेक्स्ट uh, हफ्ते से शुरू होने वाला है एडवांस मैथ्स शायद

a prism right you can see with vibgyor so ye yad this is the order right so refractive index of many materials varies with the wavelength of color so what happens uh, this is actually this phenomenon is actually known as dispersion so this uh, causes the light of different colors to be refracted differently and to leave the prism at different angles right so this actually uh, depends on the wavelength of the light Fine. So you can see red is divided least, and maximum division takes place in violet. So next one, last but not the least. So today's last question, but you will get another class on Saturday, same time. Saturday eleven a.m. Okay. Okay na? Saturday eleven a.m. Next uh, GK mock, GS mock will be there on Saturday at eleven a.m. Okay. बताइए इसका आंसर बताइए। रॉय पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी वॉज द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एंड अकॉर्डिंग टू इंडियंस सो वॉट इज द ईयर सो यस माई फ्रेंड द ईयर इज नाइनटीन थर्टी फोर वेरी

अभी एंड करते हैं सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन द नेक्स्ट जी एस मॉक दैट इज मॉक फोर टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर राइट स्टे होम स्टे सेफ एंड डू नॉट गो आउट अननेसरली राइट इट्स अर्जेंट राइट सो टेक केयर गॉड यू गाइज एंड हैव अ गुड डे